अब तो अरे आस पास आ रही बारात करना। तो अभी अद्ध कुआरी के दर्शन किए बिना ही वापस जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का जो रेट 1800 रुपया वन साइड का कट। पर तुम सुन ना पाए हमारी। ओ भाई साहब मैं कहता सिरा थले देर डर लग रहा है। हम दूर भागे तेरे बिना गाय हमसे नाराज रहना। गिनती 10 तो 15 मिनट की दूरी है। क्या ओए बहुत ठंडा पानी है। भैरवनाथ मंदिर तुम्हें जाकर भी ना चाहे। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, किद्दा सारे। सो गाइस अभी रात इतें रुके थे। साडा 291 नंबर से 290 नंबर चल रहा उरे। तो हूँ कहते 740 तो खुलूगा द्वार अद्ध कुआरी का। अभी हो गए खासा लेट। तो हूँ अं निकल लगे हाँ माता के भवन में। फिर आते हुए देखा दर्शन कर लाँगे। आप पिछे देखो तुम अद्ध कुआरी। तो हूँ आते हुए दर्शन करा अभी। तो हूँ अं चले बाकी इतने क्राउड देखो। लोगों ने इत ही मतलब इदा ही सुते पे ने कंबल कुंबल लैके। अभी सुते ही उपर जरा भगवती वाला है ना भगवती भवन एदा रूम वगैरह सी हॉल टाइप। तो अभी कंबल लै गए थे 8। तो अपना उत्थे आराम ना 4 कंबल बिछाए 4 उपर पाए तो आराम ना सुते। हूँ आ देखो 290 नंबर चल रहा है। तो हम टाइमिंग काफ़ी लग जानी क्योंकि हम साफ सफाई हो रही है। तो उस तो बाद जाके स्टार्ट होगा। सो फिलहाल ही चले हाँ उधर माता दे भवन नू आके देखते हैं। आ देखो इतने कंबल मिल जाते हैं। इतों तुम्हें पर्ची कटानी है पहला 100 रुपीज एक कंबल का लेंदे है। वो भी सिक्योरिटी चार्जेस जो तो कंबल वापस कर दें सारे रिफंड हो जाते हैं। तो इतों कंबल मिलते हैं इतने वापस करने होंगे। बाकी बंदर देखो तुम चलिए। आ देखो वे टू माता का भवन भवन का रास्ता। हूँ आप चले भवन में। तुम आ देखो कि लोग सुते पे आ रहा पूरा बंद किया। देखो जी मतलब जान का राह नहीं है इन्ना ज्यादा वो होया पे। अच्छा पूरा भरया हो भवन नू निकल गए। ये रास्ता जाता है भवन नू। इधर घोड़े वगैरह नहीं जाते ता करके सफाई वध है। बंद कर लो ते हाथ जोड़ लो। जय माता दी। हाँ जी आप माता दे भवन दे कोल पहुंच गए। देखो माता दा भवन पिछे ते बस हुण गुरु ग्राम से होए पे आ। मतलब ये यहाँ एकदम पहुंचिए नहाइए तो दर्शन करिए बस पहुंचन लगे। बाकी तुहानू मैं दसदा इत्थे सारिया सुविधावां उपलब्ध ने मेडिकल तो लैके एक एक चीज़। वॉशरूम भी है हरेक 100-100 मीटर बाद वॉशरूम है। पानी का है खाण का है। गवर्नमेंट शॉप्स ने जिन्हां रेट फिक्स ने नहीं तो लोग जिवें 20-25 बना देंगे है। एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध है तुम दिखाए। एम्बूलेंस जो कोई मेडिकल सर्विस चाहिए है सारा कुछ है उपलब्ध। तो बाकी एक चीज़ मैंने इतने नहीं वधिया लगी जोड़े लोगों ने खराब किया वा इतने तो वधिया ही है। लोग जोड़े बीड़ी सिगरटा पीते हैं गुटखा खाते हैं भाई एक दो दिन तो सबर कर लिया करो। इतना वॉशरूम गया इन्ना गंद पाया इन्ना गंद लोगों ने बीड़िया पी पी गंद पाया हो
मतलब यार किसी धार्मिक स्थल जाने उत्थे तो घट्टो घट सफर कर लिया करो, ज़्यादा नहीं एक दो दिन की गल होंगी है। मतलब कोई बाहरों आता जो बंदा, मतलब आप चलो इंडियन सा फॉरनर बंदा आता वा, वो देखता भाई इन्ना गंद पाया वॉशरूम के कि लगता, ना डेली सफाई होंगी फिर भी लोग क्यों नहीं मानते, एक दिन तो मान जाया करो यार, जब ना ही आया करो। मैं तो यही कहूँगा जो इन्नी दूर आ रहे हो माता दर्शन करन, घट्टो घट आह चीज़ा छड़ दिया करो एक दो दिन लिए। आह देखो आह वॉशरूम देखो कितना क्लीन है, बट कोई होंगे लोग जिन्हों तो सफाई देखी नहीं जाती, भैरव नाथ टैंपल जाने लाइन लाई हुई है लोगों ने रोपवे के थ्रू। देखो कितनी लंबी लाइन है, ये हले अंदर जाएंगे इतने फिर उपर जाएंगे, आहो उपर तक लाइन है। देखो जी कितने तक लाइन है, ओए होए 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 मैं लाइन पहली बारी देखी, जिन्ना लोग उधर नु तैयार बैठे आ ते पहली बारी लाइन देखी मैं, नहीं तो पहला रोपवे नहीं चल रहा है, रोपवे भी दिखाना मैं। वो देखो ये रोपवे सीधा भैरव नाथ बंदा चल जाता है थ्रू, बाकी टिकट वगैरह पता करके दस दें तुम कि वा। लो जी हिम्मत हमारी मुंडे ने महीने बाद ना के आया अज, मर गया ओए बहुत ठंडा पानी है। जी गाइस कितना फिर फाइनली पहुंचे, पहुंच गए हैं तो नहाया मैं, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब एक टाइम तो पैरों के तले जो थे ना पूरे गर्म हो गए थे, शूज वगैरह पाए हैं हम जाके चेक हो अंदर जिम्मे एकदम बर्फ हों बर्फ उदा का पानी है सारा ताले भी रहता, भावें कोई सर्दियाँ जाओ गर्मियाँ जाओ बर्फ पी हो भी बर्फ और कहीं पानी होगा बस दर्शन कर। सो ये है जी लॉकर, इतने तुम्हें एक अपना लॉकर मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतने तुम अपना समान जमा करा के माता दर्शन लिए जा सकते हो। ये किसी मंदिर की लाइन नहीं हैगी, कितने मत्था टेकन की लाइन नहीं हैगी, ये रोपवे की लाइन है भैरव नाथ जाने लई, तो अभी भी चलें हम रोपवे के थ्रू, तो बाकी उत्थे टिकट दस दें तुम कि देख के, सानू वेल एग्जैक्ट पता नहीं है। जी सो फाइनली आप रोपवे की टिकट ले ली है, जिदा कि फेयर हैगा 100 रुपीज़ ओनली, आना जाना दोवें है, हाँ देख सकते हो 100 रुपीज़ ओनली है, आना जाना दोवें है बिच, तो पहला ही साडा प्लैन सीगा सिर्फ जावा जावांगे, बट प्राइस बड़ा घट है, फिर अभी सोचे आना जाना दोवें कर लें, तो हूँ अभी आना जाना दोवें करना वा, तो इतों ही रोपवे फड़ना देखो सामने थले आतों भी उपर तक भैरव नाथ घाटी तक ये जाऊगा, तो वापस भी लैके आऊगा, तो बस माता के दर्शन साढ़े बहुत वधिया हो गए, तो उत्थे विचकार शेरां वाली माता सीगी ते नाल सरस्वती माता ते नाल काली माता विराजमान सीगे, तो दर्शन बहुत ही वधिया हो गए बहुत ही वधिया। सो गाइज आप उड़ चुके हैं थले देख डर लग रहा है। देखो गाइस आप उड़ रहे हैं, जय माता, और मैं ये आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है,
मतलब 4-5 घंटे का सफर, हूँ तो मतलब 2-3 घंटे का सफर नहीं है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। सीधी चढ़ाई है भैरोनाथ की माता तो 2-3 घंटे लग जाते आराम नाल। हूँ 2 मिनट का राह हो चुका वा, बस 100 रुपये लगते हैं, आने जाने दोवें हो जाता रोपवे के थ्रू। ये देखो जी पैदल यात्रियों वाला रास्ता बिल्कुल खाली हो गया सिर्फ रोपवे करके, क्योंकि हम सारे लोग रोपवे के थ्रू ही जा रहे हैं। सो गाइस दिस इज भैरोनाथ मंदिर, ये जो ऊपर देख रहे हो तुम, ये भैरोनाथ मंदिर है। तो अरे नाल दा मेरा लाइन से लगन गया तो मैं इतने खड़ा हाले। गाइस दिस इज भैरो मंदिर, पहुंच गया। देखो जी लाइन कितनी लंबी लगी है। दंगे हो गए ओए वो घर जा यार। गाइस देखो छोटा जा बंदर है बट सब तो खतरनाक है, इन्हें सारे काले पीले भजाते इतो, इन्हें सारे भजाते अपने को। देखो चलने वापस इतनी आएगी जगह तो आई है। सो गाइस भाई माता दे भी दर्शन कर ले ते भैरोनाथ दे भी दर्शन कर ले, हुण ही हो गया रिटर्न। अद्ध कुआरी दे दर्शन रह गए सीगे ते हुण चलने अहीं अद्ध कुआरी दे दर्शन करन, अद्ध कुआरी गुफा च जाके आना है ते उत्थों करन तो बाद फिर अहीं कटरा ते फिर अपनी ट्रेन है, शॉपिंग भी करनी है। जे किसी नूं कुछ चाहीदा तां दस सकदे हो, लै के तां मैं आना नहीं क्योंकि मैनूं नैटर नूटर का नहीं रहे उरे, पता नहीं लगना तुसीं की मंगिया की नहीं। तो बस कटरा तो ट्रेन है डायरैक्ट 10:30 ट्रेन है। तो कमेंट में दस दौ की चाहिए नैक्सट टाइम जो आवेंगे थोड़े लिए लैके आवेंगे, तो हाँ सारे के घर पहुँचा के जाऊँ जिन्हें भी मेरे सबसक्राइबर ने, जो मंगोगे वो मिलेगा इतों की सच्ची नहीं जो इतने अवेलेबल होया। नो कपोड़ी रेंज च मंगे भाई 100-200 चीज़ आ 200 तक की। यार किन्ने इन्ने सारे सबसक्राइबर ने 200 तक की मंगने तो भी मेरे खासा पैसा लग जाना, कोई नहीं दवांगे यार एक टाइम आऊगा। तो अभी 5:40 घर पहुँच जाना, घर नहीं लुधियाना स्टेशन पहुँच जाना, घर जाते जाते 6:30-7 बज जाने बस टाइम ना ही पहुँच जाएंगे। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी।
ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਹੈ 340 ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 340 ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ 349 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਭਵਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 349, ਅਤੇ ਹੁਣ 340 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 349, ਅਤੇ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 345 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨ 10:30 ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ। ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਟਰਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਪਲੇਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਪਲੇਨ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਟ ਪਲੇਨ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਪੇਨਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਿਓ ਪਲੇਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪੈਦਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਆ, ਪਾਲਕੀ ਆ। ਪਾਲਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਜਵੂਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 1800 ਰੁਪਇਆ ਵਨ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਛੱਤ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਰੋਪਵੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੈਰੋਨਾਥ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਭੈਰੋਨਾਥ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 271 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਤਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਆਹ ਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਮਸਾਜ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫੋਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ। ਲਓ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਜੂਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੈਕ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਸਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਇਓ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਰ ਟਾਈਮਰ ਇਸ ਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੇ चलो भाई बहुत वधिया लग्या मसाज करा के आ देख लो पालकी मसाज वाला पालकी मसाज सेंटर मशीन टाइम फिट है 15 मिनट का। सो गाइस फाइनली आप थले आ गए ते बाहर निकल आए हैं हुण अहीं चले हैं वापस मार्केट वल नूं ते मार्केट दिखाने हैं एंड मार्केट एरिया शुरू हो जाता है सारे मार्केट एरिया दिखाने तुम अंदर ये देखो वही ढाबा जिथे कल सवेरे रोटी खाधी थी विनोद वैष्णो ढाबा रोटी नहीं नान छोले तो छोले भटूरे खाते जी देखो डोल कितनी प्यारी है जैसे मार्केट एरिया ये पूरी मार्केट है आगे पीछे इतने ड्राई फ्रूट्स आर्टिफिशियल समान गिफ्ट्स मोस्टली ड्राई फ्रूट्स ही है इतने फ्रूट तो गिफ्ट वगैरह ने जवाकों लिए साढ़े कुछ नहीं है हम चले फिर अभी अभी चले हम कुछ खाण पीन गाइस हम आप मोमोज खान लगे हैं छोटी दुकान है नाम मैं पता नहीं की है हाँ देखो लड्डू फास्ट फूड कॉर्नर आ गई जी साड़ी प्लेट नाम ही समझ तो किदा फिर फाइनली असं पहुँच गए हैं देख लो यार आप ही मैं तो थक गया श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गया ही तो बस बहुत ज़्यादा थक गए तो वो पहाड़ देखो जितों ही आए हैं वो देखो तो गाइज आप अंदर आ गए हूँ कटरा स्टेशन से मैं तुम्हें स्टेशन दिखाता इन्ना साफ सुथरा इन्ना क्लीन है ना देखो देखो जी कटरा स्टेशन अपना बिस्तरा लग चुका है एंड दैन आप चले हाँ सोन तो हम सवेरे उठा पाली से दस पंद्रह मिनट पहले उठा पहुंचते हैं फिर लुधियाने आने मिलते हैं तुम्हें चंगा बाय बाय गुड नाइट।